जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं मंगल देवता को लेकर। मंगल देवता जो अभी तक वृष राशि में बैठकर राहु महाराज के साथ अंगारक योग बना रहे थे, बैंड बजा रहे थे सभी का, वो मंगल देवता जो लोगों के मन में तोड़ फोड़ की भावना भर रहे थे, राहु महाराज के साथ मिलकर अकेले नहीं भरते, जो उत्पात मच रहा था, अब मंगल देवता अंगारक योग खत्म करके मिथुन राशि में प्रवेश कर गए। इस मिथुन राशि में प्रवेश करने के पश्चात मेरे और आप सबके जीवन में, सभी राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस सब की व्याख्या लेकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। तो इस बात को जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहिए, बहुत लाभ देगा। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि, शनिपीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आपका अपना दैनिक राशिफल, आपका मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन का फल लेकर कि मंगल देवता अब किस किस को माला माल बनाएंगे या किस किस की बैंड बजाएंगे, इस सब की जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति पर आज यानी 14 अप्रैल सन 2021 की। आज सूर्य देवता, शुक्र देवता और चंद्र देवता तीनों ही मेष राशि में विराजमान है। कुमाराज वृष राशि में विराजमान है, यहाँ पर केतु महाराज वृश्चिक राशि में वक्री घूमते हुए विराजमान है, शनि महाराज मकर राशि में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान है, बुध देवता मीन राशि में विराजमान है, मंगल देवता वहां से निकलकर वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो प्रिय भक्तगणों, ये मंगल देवता की स्थिति थी कि किस प्रकार से वो ग्रह गोचर में परिवर्तित करके अब मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। वैसे तो ये सभी ग्रह देवता जो हैं हमारे आपके और अपने कर्मों के आधार पर हमें सुख और दुख प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख प्राप्ति होती है, जब हमारे अच्छे कर्मों का घड़ा भरता है तो छलकने लगता है, फिर उसमें से छलक छलक कर सुख फलों की प्राप्ति होती है, और बुरे कर्म करेंगे तो दुखों और दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। बड़ा सिंपल सा फंडा है भगवान जी के यहां भी। तो जैसे कर्म करोगे वैसे ही तो फल मिलेगा, और जिनको इस जन्म में पूरे नहीं पड़ते फल वो अगले जन्म में योग्य तो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कोई राजा जैसे व्यक्ति के यहां जन्म लेता है, कोई बेकारी जैसे व्यक्ति के यहां जन्म लेता है, कोई हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बालक के रूप में जन्म लेता है, तो कोई बीमारी से, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर दिव्यांग और अपंग होकर जन्म लेता है। यही तो हमारे कर्म थे, हमने जब उस समय तो सोचा नहीं, हम मिलावटखोरी कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, हम देशद्रोह कर रहे हैं, हम लोगों का बुरा कर रहे हैं, हम समाज का बुरा कर रहे हैं, तब तो हमने सोचा ही नहीं, हम अड़ोसी पड़ोसियों का भी बुरा करने से चूकते नहीं, हम केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। स्वार्थ सिद्धि एक हद तक सही है, अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, समाज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, नशाखोरी या नशाखोरी का काम नहीं करते, कोई बुरा काम नहीं करते, तो स्वार्थ सिद्धि करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका दायित्व है अपने परिवार का भरण पोषण करना, उन्हें समृद्ध बनाना, तो यही तो स्वार्थ पूर्ति हुई। लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना स्वार्थ भरना, ये कहां की बात है। तो स्वार्थ की बात आई तो चलो मैं आप लोगों को आज एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि आज मेरे एक मित्र ने मेरे को बताया कि एक 4-स्टार उस होटल है उसके रिश्तेदार का, दिल्ली के आसपास के, बिल्कुल गुड़गांव की बात कर रहा हूं मैं, गुड़गांव के आसपास एक 4-स्टार बहुत खूबसूरत सा एक होटल है, 2.5 एकड़ में बना हुआ, 95-96 कमरे भी हैं उसमें, स्विमिंग पूल भी है, मैरिज हॉल भी है, पता नहीं क्या क्या और है। और वो नया नवेला सा होटल जिसे रेडिशन ग्रुप चला रहा है वो मात्र 125 करोड़ में सेल के लिए उपलब्ध है। मैं तो यहाँ हैरान हो जाता हूँ, दिल्ली में पटेल रोड और पूसा रोड की कोठियों के रेट इतने हो गए, 800 गज 1000-1100 गज की कोठियों के रेट ये इतने मांग रहे हैं, और कहाँ 2.5 एकड़ यानी 12,000 गज में 95 कमरों का बना हुआ नया होटल, ऑलमोस्ट नया होटल 5-7 साल पुराना, केवल 125 करोड़ में मिल सकता है।
मेरे मित्र हैं, उनके किसी रिश्तेदार का ही होटल है। तो मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ क्या हो रहा है। एक तरफ पटेल नगर या पूसा रोड पर इतनी मारामारी है कि 800 और 1000 गज की प्रॉपर्टियों के रेट ये इतने ऊपर पहुंच गए, और उसके बदले में हमें थोड़ा सा आगे बढ़ते ही गुड़गांव से सटे हुए एरिया में 4-स्टार होटल मिल जाता है। तो कई बार कुछ चीजें चकित कर देती है, लेकिन क्योंकि आपको करंट इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी था तो मैंने इसलिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी। तो इसके साथ ही आप लोगों से फिर से एक विनम्र निवेदन है, 100 बार सोचिएगा कोई भी बुरा कर्म करने से पहले, क्योंकि इसका दंड तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके दंड को नहीं भुगत सकता। चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि वाले व्यक्तियों के साथ। मेष राशि वाले व्यक्तियों, मंगल देवता तो आपके राशि के ही मालिक हैं, और वो आपके बाहुबल वाले स्थान पर बैठकर आपके बाहुबल को मजबूत करेंगे, आपके शौर्य को, आपके नाम को मजबूत करेंगे। वैसे तो आपको सदैव मूंगा रतन की अंगूठी और पुखराज रतन की अंगूठी धारण करनी चाहिए अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, ताकि आपके और आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि हो। और मंत्र सिद्ध अंगूठी तो बस आप पूछिए मत, उसके लाभ अद्भुत है, बशर्ते ये किसी साधक के द्वारा मंत्र सिद्ध की गई हो, वास्तव में मंत्र सिद्ध हो, वरना तो सब भगवान जी के आगे लोग घुमा के कह देते हैं ये लो जी कच्ची लस्सी में धो लेना और हो गई जी मंत्र सिद्ध, या धूप बत्ती दिखा देना हो गई जी मंत्र सिद्ध। अरे प्रॉपर पूजा की जाती है, मंत्र सिद्धि की जाती है, साधना की जाती है, साधना भगवान को साधना है यहाँ पर। उस दौरान जब भगवान सद जाए तो उनके मंत्रों का प्रयोग करना है, निरंतर करना है, तब जाकर ये मंत्र सिद्ध होते हैं। और जब इन मंत्रों को सिद्ध कर लिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति साधक कहलाता है, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उसने नवग्रह देवताओं के मंत्रों को सिद्ध कर लिया है तो वो सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है, लोगों की मदद करने में समर्थ हो सकता है, और सभी देवताओं को प्रसन्न करने में समर्थ हो सकता है। बात करूंगा वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्तियों, जो मंगल देवता अभी तक आपके सिर पर बैठकर आपको अनायासी क्रोधित कर रहे थे, अब वो आपके परिवारजनों के यहां जाकर आपको लाभ पहुंचाएंगे। हालांकि वो इस समय खर्चे वाले घर के मालिक बने हुए हैं, लेकिन पहुंचाएंगे आपको लाभ। तो इस लाभ को प्राप्त करने का प्रयास करिएगा अपने ग्रह को मजबूत करके। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक तो शुक्र देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्यपति करनी है विधि विधान के साथ, विधि विधान फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ईमेल के माध्यम से ले लीजिए। दूसरा, अपने भाग्य के रतन शनि देव की अंगूठी भी सदैव धारण करें, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत कराकर मुझसे मंगवा सकते हैं, मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध अंगूठियां घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहां से भेजेंगे आपको। तो ये दोनों कार्य करके निश्चित रूप से आप और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं मंगल देवता का आशीर्वाद के रूप में। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आपका अपना ग्रह बहुत कमजोर है, बुध देवता तो नीचे हैं, तो राशि का मालिक कमजोर होगा तो कोई भी फायदा आप कैसे कमाएंगे। ऊपर से आपके जो भाग्य के मालिक हैं वो अष्टम हो रखे हैं, तो फिर वो भी फायदा गया। तो सबसे पहले तो आप बुध देवता और शनि देवता को मजबूत करिए पन्ना रतन और नीलम रतन की मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत की अंगूठी पहनकर। नहीं मिल रही है तो आप हमारे यहाँ से बिना किसी झिझक के घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, गारंटी से मेरे द्वारा ही मंत्र सिद्ध की जाती है, मेरी 32 साल की साधना है इन्हीं नवग्रह मंत्रों की, जिनके बल पर मैं इन मंत्रों को सिद्ध करता हूं, और मैं अपने बच्चों से भी ये साधना कराता हूं, ताकि आगे चलकर मेरे बाद वो भी आपकी इन रत्नों की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध कर आपको भेज सके घर बैठे। तो मंगल देवता ये तो हो गए आप मजबूत, अब मंगल देवता तो आपके सिर पर बैठकर आपको क्रोध दिलाएंगे, क्रोध का आवेश बढ़ेगा, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, अनायास क्रोध आपके लिए हानि का कारक ना बन जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। हालांकि जो मंगल देवता है आपको इस समय नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो कारक तो आमंदनी के घर के हैं, आमंदनी के घर का मालिक अगर सिर पर आके बैठेगा तो कहीं ना कहीं से तो आमंदनी का देगा ही देगा, और ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। तो आप इस अवसर का दोहरा लाभ उठाइएगा, बशर्ते आप मजबूत हो। बात करूंगा कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्ति, ये मंगल देवता जो है अब आपकी राशि से 12th होकर बैठ गए,
आप इधर अगर देखा जाए तो आपकी स्थिति जो है वो कमजोर है, थोड़ी सी, इतनी भी कमजोर नहीं है, केवल राहु के साथ बैठकर ग्रहण लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले अपने आप को सदैव मजबूत रखें, मोती की अंगूठी पहनकर और पुखराज की अंगूठी पहनकर, मगर ये आप जन्म कुंडली दिखाकर पहने, और घर बैठे हमारे यहाँ से ये मंत्र सिद्ध अंगूठी मेरे द्वारा सिद्ध की गई अंगूठियां प्राप्त कर सकते हैं अपनी साइज के अनुसार। स्पेशली बनाई जाती है, कोई स्टॉक नहीं होता, ये शनि भगवान का मंदिर है, स्थान है, पीठ है भगवान शनिदेव की, भगवान शनिदेव साक्षात विराजमान है यहाँ पर, तो यहाँ स्टॉक नहीं रखते हैं, केवल और केवल जब आप कहेंगे तभी बनती है, और उसके बाद उसकी पूजा होकर आपको भेज दी जाती है। तो आप घर बैठे अंगूठियां प्राप्त कर सकते हैं। अब मंगल देवता का 12th होना, एक तो आपको वार्निंग में दे रहा हूं कि आपको पुलिस वालों से गलती से भी झगड़ा नहीं करना, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी है, मिलिट्री या पुलिस वाले एक ही बात है, सब पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह, इसमें सभी लोगों को शामिल कर रहा हूं, पुलिस का मतलब मेरे लिए सब वही है, आपके लिए भी वही है, क्योंकि मंगल देवता के वो सब लोग कारक है, तो वो तो हमारे रक्षक है, हम अपने रक्षक का अपमान कैसे कर सकते हैं, उनका सम्मान करना सीखिए। ऐसे ही आपके प्रेम संबंध में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, तो सावधान रहिए, अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने का भरसक प्रयास करिएगा, आपके मजबूत प्रेम संबंध आपके जीवन में दुगनी खुशी फैला सकते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। साथ ही साथ आपके कर्मों पर, आपके कार्य जहां आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां पर आपको परेशानी आ सकती है, आपके बॉस से परेशानी आ सकती है, साथी कर्मचारियों से परेशानी आ सकती है, तो यहाँ आपको मंगल के लिए उपाय करना ही पड़ेगा, या तो मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला, या फिर जन्म कुंडली के अनुसार मूंगा रतन भी अगर धारण करना पड़े तो कर लेना, अगर आपको परेशानी ज्यादा हो रही है तो। बाकी तो फिर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के लिए आपको वीडियो कॉल पर चर्चा करके हम आपको मदद दे सकते हैं, घर बैठे आप ले सकते हैं इन मदद को, और जरूरत पड़ने पर इन उपायों को भी प्राप्त कर सकते हैं। बात करूंगा सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह तो इस समय ठीक ठाक हालत में भाग्य में स्थल पर जाकर चला गया है, और साथ ही साथ भाग्य का मालिक जो है वो आमदनी में चला गया, तो मंगल देवता तो आमदनी देंगे ही देंगे, भाग्य को भी चमकाएंगे, आमदनी भी देंगे, तो लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मंगल देवता का पूरा पूरा आशीर्वाद है। तो आप जितना अपने आप को, यानी रूबी रतन की अंगूठी पहनकर और मूंगा रतन की अंगूठी पहनकर, और बुद्ध देवता क्योंकि आमदनी के मालिक हैं और वो नीचे के चलने, तो बुद्ध देवता यानी पन्ने की अंगूठी पहनकर आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों ही सुधार सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। बार बार इनको एक साल बाद या तीन साल बाद चेंज करते रहिए, या नजर लगने पर चेंज कर दीजिए, आपका कुछ नहीं नुकसान होगा, पैसे की चिंता मत करें, इतना पैसा दे देते हैं बैठे बिठाए कि आपको कोई चिंता ही नहीं होगी, आप चाहे लाख रुपए का पन्ना पहन लीजिए, बाद में शुरुआत में प्रॉब्लम हो लगती है हमें, बाद में तो लगता है अरे वाह हमने पहन लिया, बहुत अच्छा किया हमने, तो 10 लाख कमा लिए, लाख रुपए का ही तो पहना था, और पन्ना तो हमारे हाथ में किसी को दे थोड़ी दिया हमने, या पुखराज या नीलम या जो भी हम पहनते हैं वो हमारे हाथ में, किसी ढोंगी को या पाखंडी को खाली वैसे ही तो नहीं टिपा दिया पैसे के रूप में, अरे आपने रतन की अंगूठी खरीदी है वो भी सर्टिफाइड, तो आप फायदा उठाइएगा, आपको अवश्य ही लाभ होगा, यहाँ पर आपको मकान में फायदा दे सकते हैं, आपके मकान के भी मालिक यही है मंगल देवता। तो मैं बात करूंगा कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, देखो ये मंगल देवता जो थे ना आपके लिए कारक थे बाहुबल के, आपके लिए कारक थे थोड़ा सा अष्टम स्थान के, अब वो बैठ गए जाकर कर्म स्थान पर, अब बाहुबल का कारक कर्म स्थान पर बैठेगा तो फायदा ही फायदा होगा ना, बशर्ते आप मजबूत हो, मगर आप तो मजबूत हो नहीं, क्योंकि आपका अपना ग्रह तो नीच काय राशि का मालिक, जो भाग्य का मालिक है वो शुक्र देवता, वो अष्टम हो रखे हैं, बदनामी दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को मजबूत करिए, बुद्ध देवता की अंगूठी, शुक्र देवता की अंगूठी और राहु महाराज की अंगूठी पहन डालिए आप, बलकम चंद्र देवता की भी अंगूठी पहन लीजिए, बहुत फायदा देगी, लाइफ की दशा और दिशा बदल देगी, अगर ये प्रॉपरली मंत्र सिद्ध अंगूठियां हैं तो आपको धीमे धीमे करके इतने चेंजेस देगी, इतनी आरामदायक लाइफ बना देगी, इतनी खुशियां प्रदान करेगी, आप हतप्रभ रह जाएंगे, तभी तो हमारे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप 10 नेताओं की बात करें, उनके फोटो ढूंढेंगे तो आपको सब मिल जाएंगे, आपको बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे, और एक्ट्रेस की बात करेंगे तो वो भी मिल जाएंगे, देखिए जरा उनके फोटो google.com पर सर्च करके, कि गूगल पर कितने सारे नेता अभिनेता या इंडस्ट्रियलिस्ट इन रत्नों की अंगूठियों को पहनकर अपने भाग्य को चमकाते रहे, तो आप क्यों चमकाने से चूक रहे हैं, मैं अवश्य मदद करूंगा आपकी। यहां मंगल देवता
कार्यस्थल पर बैठकर आपको लाभ पहुंचाएंगे, अवश्य पहुंचाएंगे, उनका से लाभ लेने का प्रयास करिएगा, मगर अपने आप को मजबूत करके। कार्यस्थल पर झगड़ा नहीं करना है। You know me as Wayne, or you know me as Dr. Wayne. Before I came here, I was already successful. I don't want to lie. That's why I said negativity became positivity, but positivity became more positive. As you know, Ref Wayne has always been a billionaire. He's always, but now I was at 2. Now I'm saying no, I'm no more there. I'm now at 8, 9, 10. So I'm higher, and even the negative things that were happening, they've run away. So I would say experience-wise, 100% super. It comes back again. Come and see for yourself. I would love one time just to maybe have a little workshop. It's just that I'm still convincing my guru. He says he will never leave his Shani Dev here because of they are busy. I said, no, guru, one day, just your presence. We need you in South Africa. We need guru in South Africa because of people they need to understand deeper. Jai Shani Dev. बात करूंगा तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह आपके जीवन साथी के घर में बैठा है, और जो जीवन साथी का ग्रह वो अष्टम होकर हो गया है। अब जीवन साथी का ग्रह ही तो मंगल है, मंगल भाग्य में चला गया, और मंगल जो है अभी तक जो अष्टम था वहां से निकलकर भाग्य के घर में चला गया है। तो निश्चित रूप से आपका जीवन साथी आपके भाग्य को शेप करने में मदद करेगा, बशर्ते आप मजबूत हों। अब आपको मजबूत करने के लिए एक तो शुक्र देवता का मजबूत होना जरूरी है, तो शुक्र देवता के रतन की अंगूठी पहनिए, उनके मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करिए, भाग्य के देवता के मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करिए विधि विधान से, और भाग्य के देवता की अंगूठी भी पहनिए, क्योंकि भाग्य के देवता तो नीच के हैं, फिर फल कैसे मिलेगा, जबकि जीवन साथी आपको देना चाह रहा है। और बात करेंगे जिन लोगों को जीवन साथी नहीं है, तो उनको क्या मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, तो वो उनके बाहुबल के रूप में मिलेगा। तो लाभ उठाइएगा इस समय का, ये समय चूक ना जाए। बात करूंगा वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, आपकी तो राशि के ही मालिक है मंगल देवता, और अभी तक जो बैठे हुए थे वो जीवन साथी के घर में बैठे हुए थे, और वहां से वो निकले तो अष्टम हो गए। तो ये जो स्थिति है वो आपके लिए परेशानी वाली है। आपके मंगल को मजबूत होना बहुत जरूरी है, वरना चोट का डर, एक्सीडेंट का डर, परेशानी खड़ी हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शन से लेकर और भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, टिश्यूज में प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल देवता के रतन की अंगूठी के साथ साथ मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करिए, कह रहा हूँ, साथ ही साथ अपने भाग्य और अपने आमदनी के मालिक को मजबूत करिए, उनके रत्नों की अंगूठियां पहनकर, मंत्र से अंगूठियां आपका बहुत लाभ पहुंचाएंगी, आपको सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाएंगी। समय दुर्घटना का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए स्टार्ट होता है अब, तो मजबूत करिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उपाय करके, तुरंत देर मत करिए, देर आपके लिए नुकसान का कारक बनेगी। बात करूंगा धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए जो मंगल देवता जो थे, जो अभी तक बीमारी के घर में बैठे हुए थे, अब जाकर जीवन साथी के घर में चले गए, और मंगल देवता जो कारक बने हुए हैं आपके लिए, वो एक तो 12वें भाव के कारक बने हुए हैं, और दूसरा जो कारक बने हुए हैं वो बने हुए थे एजुकेशन के भाव के। तो एजुकेशन के भाव का मालिक अगर जीवन साथी में चला जाए तो यहां तो कुछ कुछ गड़बड़ है। तो यहां तो उन लोगों की लॉटरी लगेगी जो प्रेम संबंधों को शादी में बदलना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आनंद का समय हो सकता है। तो जो रिश्ते की बात चली थी वो तो खराब हो जाएगी बुध की वजह से, और अचानक से ये प्रपोजल आप अपने घर वालों को देकर मौके पर चौका मार के अपने कर लीजिए। अपने आप को मजबूत तो पहले करके चलिए ना, पहले कहीं ऐसा ना हो घर वाले लठ बजा दें आप में। तो मंगल यहाँ पर आपको क्या करना है, पुखराज रतन की अंगूठी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार धारण करिए, रूबी रतन की अंगूठी धारण करिए, और कार्यस्थल पर भी, क्योंकि यहां बुद्ध देवता का घर है और वो नीच के हैं, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये प्रपोजल को लेकर आगे बढ़िए, अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, आपको अवश्य लाभ मिल सकता है। बात करूंगा मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों, मंगल देवता कारक है आपके मकान के, और अब वो जाकर बैठ गए हैं बीमारी के घर में। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, आपका स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब स्वास्थ्य में चोट लगने का भय, ब्लड इंफेक्शन, हाइपरटेंशन, टिश्यूज में प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें, गलती से भी किसी
बहादुर सैनिक का, किसी पुलिस वाले का सपनी में भी अपमान ना करें। अरे हमारे रक्षक हैं, कोई भक्षक थोड़ी है। हम मजे से सोते हैं, वो हमारी रक्षा करने के लिए सड़कों पर गश्त लगाते हैं या हमारी कंट्री के बॉर्डर पर ड्यूटी देते हैं या पैरामिलिट्री के जवान अपनी जान हथेली में डालकर हम सबकी रक्षा हर प्रकार से करते हैं, और हम इतने नालायक हो सकते हैं कि उनका सम्मान करना ही भूल जाए। तो उनका सम्मान करना कभी मत भूलिएगा, वो आदर के पात्र होने चाहिए। और क्योंकि वो हमारे देश की कानून व्यवस्था को लागू करवाने वाले लोग हैं, वरना तो यहां दो मिनट में जंगल राज्य काम हो जाएगा। हर एक कोई पहले वाले से ज्यादा 30 मार्क है, हर एक कोई उत्पाती है। मौका मिले तो वो पूरे देश को आग में झोंक दें कि हमारी बात नहीं मानी, हम तो बसों में आग लगा दें, हम तो मकानों में आग लगा दें, हम तो शोरूम और गोडाउन को लूट के खा जाए। तो ये एक डर बैठाते हैं। कई बार तो जब ये उपद्रवी ज्यादा संख्या में हो जाते तो इन पर अटैक करते, मगर नहीं, इन पर अटैक करने वाला कभी मंगल देवता के प्रकोप से बच नहीं सकता। ये मुझसे लिखवा लीजिए, उसको उस गंदे कार्य का दंड अवश्य मिलेगा, कुछ इस जन्म में कुछ अगले जन्म में। सारी जिंदगी सोचते रहेंगे ये हुआ क्या हमारे साथ। तो अपने आप को मजबूत करना और अपने भाग्य, क्योंकि भाग्य के देवता आपके बुद्ध नीच के हो गए हैं, तो थोड़ा सा आपको वो भी कमजोरी देंगे। तो अपनी और अपने भाग्य को मजबूत करके, यानी नीलम के रतन की अंगूठी, पन्ना रतन की अंगूठी पहनकर आप मंगल देवता के रतन, क्योंकि वो तो आमदनी के मालिक हैं। अब एक तरफ आमदनी के, एक तरफ मकान का मालिक बीमारी के घर में बैठेगा, तो मंगल देवता को मना लो, उनके तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति विधि विधान के साथ कर लो। विधि विधान फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ईमेल के माध्यम से प्राप्त करके लाभ उठा लो, अवश्य आपको मंगल देवता का आशीर्वाद मिलेगा। यहां मैं बात करना चाहता हूँ कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, आपका अपना ग्रह 12th है तो फैसला कैसे देगा? तो अपने राशि रतन की अंगूठी, यानी नीलम रतन की अंगूठी मंत्र सिद्ध कराकर पहनी है, वो भी शुक्र देवता के रतन की अंगूठी के साथ। वो भी आपको पहनी है बृहस्पति देवता की अंगूठी के साथ, क्योंकि वो आमदनी के मालिक है। और कर्म के देवता बने हुए हैं इस समय मंगल देवता, तो आपके तो कर्म के मालिक हैं और जाकर बैठे हैं एजुकेशन के खाने में, तो आपको तो लाभ ही लाभ देंगे निश्चित रूप से। वो आपका कैरियर बना गए, एजुकेशन में आपकी मदद करके आपके कैरियर बनाने के काम आएंगे। तो समय का लाभ उठाइएगा और आगे बढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मंगल देवता की मूंग के रतन की अंगूठी पहनकर और अधिक लाभ उठा सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के अनुसार। वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और लाभ उठाने का प्रयास करें। बात करूंगा मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि आप जानते हैं आपकी राशि के मालिक की 12th है, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को मजबूत करना है, फिर भाग्य के देवता जो मंगल देवता है उनको मजबूत करना है, और जो मंगल देवता जाकर बैठे हैं माता के पास, तो निश्चित रूप से आपको मकान से संबंधित लाभ दिलवाने आए हैं, जमीन जायदाद से संबंधित सौदे का लाभ दिलवाने आए, इस लाभ को उठाने का प्रयास करें, बशर्ते आप मजबूत हों। आपको कौन मजबूत करेगा? एक तो पुखराज, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कौन से रंग का पहनना चाहिए, दूसरा मंगल देवता, और तीसरा आपकी आमदनी के मालिक। तो इन सबका जन्म कुंडली के अनुसार इन रत्नों की अंगूठियों को मंत्र से प्राण प्रति जागृत कराकर, और अगर ऐसा कोई साधक नहीं मिलता जो इनको सिद्ध कर सके, आप ये मत सोचिएगा मंदिर में बैठने वाला हर पंडित इनको सिद्ध कर सकता है। अरे वो इतनी पूजा कर लें अगर अपने लिए, आपके लिए तो वो कर देंगे, कोई भी पूजा कर सकते हैं, मास्टर है उस काम में। वैसे तो एक्चुअल वो मास्टर नामकरण संस्कार के और शादी संस्कारों के होते हैं, क्योंकि उसमें उनकी सबसे अच्छी कमाई होती है। अगर वो सच में इन नवग्रह देवताओं की साधना कर लें तो उनके तो खुद के एक एक क्या चार चार मंदिर बनाने में समर्थ हो जाएंगे, करते ही तो नहीं है, यही तो दिक्कत है। पूछो तो उनसे कहते हैं अरे क्या करना है, ऐसे थोड़ी काम चलता है। तो प्रिय भक्तगणों, आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात करूंगा नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।